हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ पर। आज हम बात करेंगे आरसीआई के जो फॉर्म निकाले जाते हैं, आरसीआई के द्वारा जो फॉर्म निकाले जाते हैं एआईयूएटी के डीएड स्पेशल एजुकेशन कराने के लिए, तो वह आपके कब तक आएंगे। दूसरी बात कि वह फॉर्म आपके अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो एआईयूएटी फॉर्म क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वह ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका एग्ज़ामिनेशन आप देख सकते हैं। पिछली बार जो यहाँ पर साइट पर यह लिंक पड़ा हुआ है, यह अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, पिछली बार का ही लिंक है। इसमें लास्ट जो अपडेट था वह आप देख सकते हैं 17/8/2019 का है। तो अभी तक 2020 के फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए हैं। दूसरी बात, मैं आपको यह बताऊं कि आपका रिज़ल्ट, आपके जो अभी फॉर्म है अभी तक क्यों नहीं आए हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न आरसीआई ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर कर कहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नोटिस पड़ा हुआ है इसकी साइट पर, रिवाइज्ड गाइडलाइंस एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट फॉर असेसमेंट ऑफ न्यू एंड एक्सटेंशन प्रपोजल विद इफेक्ट फ्रॉम 2020 to 2021 एकेडमिक सेशन। जब आप इसको खोलेंगे नोटिस को, तो आपको चार लिंक दिखाई दिए जाएंगे। आप देखिए कि वो कौन कौन से लिंक हैं। सबसे पहला है एक्सटेंशन प्रपोजल का है, एक तो है इसमें डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन न्यू प्रपोजल के, डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन एक्सटेंशन प्रपोजल के, साथ ही बीएड के भी दे रखे हैं इन्होंने न्यू प्रपोजल और एक्सटेंशन प्रपोजल। तो यह जो प्रपोजल आए हैं, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप देखेंगे, यदि इसे खोल के देखेंगे इस लिंक को, तो इसमें दिखेगा आपको कि जो आरसीआई है, आरसीआई ने अपने नए एक्सपर्टीज़ को इंस्पेक्शन रिपोर्ट के लिए भेजा हुआ है कहाँ, सभी इंस्टीट्यूट्स पर जिन्होंने अपना न्यू प्रपोजल जारी करा था, या फिर अपने डीएड के कोर्स को चलाने के लिए एक्सटेंशन के लिए प्रपोजल जारी करा था, तो उन सभी के लिए एक फॉर्म निकाला गया है न्यू प्रपोजल का या फिर एक्सटेंशन प्रपोजल का, कि उन्हें यह फॉर्म जमा करना है, अपने एक्सपर्टीज़ के द्वारा साइंड होना चाहिए ये। तो जब तक ये रिपोर्ट आरसीआई के पास नहीं पहुंच जाएगी साइंड होकर, एक्सपर्टीज़ के द्वारा अप्रूव होकर, जब तक आपके फॉर्म नहीं आएंगे। क्योंकि जब यह लिस्ट आरसीआई को पहुंचेगी, तभी तो आरसीआई उन उन सभी इंस्टीट्यूट्स का नाम जारी करेगा जो आपके लिए डीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कराते हैं, वरना तब तक आपका स्पेशल एजुकेशन के जो जब आप फॉर्म भरेंगे एआईयूएटी के, तो उसमें एक लिंक मांगता है, ऑप्शन मांगता है, जिसमें आपको 5 ऑप्शंस देने पड़ते हैं, कि प्रेफरेंस देनी पड़ती है आप किस किस कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहेंगे, किस किस इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लेना चाहेंगे। तो इसी वजह से आपके अभी तक फॉर्म नहीं निकले हैं, क्योंकि अभी आरसीआई के पास नई लिस्ट जानी है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में उसे अपना यह एआईयूएटी के ऑप्शंस देने हैं, जिसमें उसे डीएड स्पेशल एजुकेशन करवानी है जिन जिन इंस्टीट्यूट्स को, तो उन्हें पहले यह फॉर्म भरना पड़ेगा और एक्सपर्टीज़ के द्वारा अप्रूव करा के आरसीआई को भेजने पड़ेगा। जब यह फॉर्म एक बार आरसीआई को पहुंच जाएगा, तो उसके पास एक लिस्ट जारी होगी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में उसे डीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स करवाना है, तभी यह ऑप्शन आपके एआईयूएटी के फॉर्म भरते टाइम पे आपको उन उन इंस्टीट्यूट्स का नाम मिलेगा। तो इसी वजह से आपका अभी तक एआईयूएटी का फॉर्म नहीं भरा गया है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मेरे चैनल पर मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं एक बार कि आपका एआईयूटी का एग्ज़ाम कब से शुरू होगा। तो अभी लगभग आपके 15 दिन और लग जाएंगे इसके एग्ज़ाम फॉर्म शुरू होने में, 15 से 20 दिन का वक्त और लग जाएगा, यानी अप्रैल के दूसरे हफ्ते के करीब ये चालू होंगे आपके फॉर्म। तो यह मैं आपको बता देता हूँ, इसी वजह से आपके अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं, एआईयूटी के एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे गए हैं। तो यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।